हेलो स्टूडेंट्स, बेटा अभी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आपका जो टॉपिक है 11th क्लास बायोलॉजी में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। उसमें एक टॉपिक आता है, एक हेडिंग आती है जिसका नाम है कॉकरोच। यही अपन पढ़ने वाले हैं। मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा मैं, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट जो है वो आसानी से पढ़ पाए। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। आप टॉपिक का नाम है कॉकरोच। सबसे पहले कुछ बातें देख लीजिए। जनरल फीचर्स बताए जा रहे हैं आपको कॉकरोच के, जनरल फीचर्स, सामान्य विशेषताएं। ठीक है, कॉकरोच भैया बेसिक सी बातें हैं, पूरा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन लिखा हुआ है। ब्राउन या फिर ब्लैक बॉडीड एनिमल्स होते हैं, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स हैं। दे आर द मेंबर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनाने वाली बात है, क्लास कौन सी है? फाइलम तो ठीक है, आपने बोल दिया फाइलम आर्थ्रोपोडा है, लेकिन क्लास कौन सी है? तो क्लास आती है इंसेक्टा। ठीक है बेटा, कुछ बातें बता रहा हूँ यहाँ पे, आपको ध्यान दीजिएगा, याद रखना बाबू। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो होता है, ये एनिमल किंगडम का लार्जेस्ट फाइलम है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, अपन ने हाईलाइट अंडरलाइन सब किया था इस पे। सबसे बड़ा फाइलम जो है दैट इज कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, एक बात, आर्थ्रोपोडा के अंदर तीन प्रकार के सदस्य, तीन प्रकार के मेंबर्स आते हैं। एक आता है क्लास इंसेक्टा, दूसरा आता है अरेक्निडा, अरेक्निडा मतलब मकड़ियों वाला जो वर्ग रहता है, और तीसरा आता है क्रस्टेशियन। थर्ड नंबर पे जो आते हैं वो कौन है? क्रस्टेशियन। तो बेटा जी, हमें कौन सा वाला पढ़ना है? इंसेक्टा, क्योंकि इंसेक्टा का ही मेंबर है कॉकरोच। कौन मेंबर है? कॉकरोच। तो याद रखना, कॉकरोच किस फाइलम का सदस्य है? तो फाइलम है आर्थ्रोपोडा। उस फाइलम के अंदर क्लास कौन सी आती है? तो क्लास आती है इंसेक्टा। कौन सी क्लास आती है? इंसेक्टा। ये कुछ बातें हुई। जो कॉकरोच है ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन्स में रहना पसंद करते हैं। कैसे रीजन्स में रहना पसंद करते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स में रहना पसंद करते हैं। और ट्रॉपिकल रीजन इंडिया भी, जैसे आपको पता ही होगा, इंडिया इज ऑल्सो ट्रॉपिकल रीजन। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहां पे ना तो सर्दी ज्यादा है ना ही गर्मी ज्यादा है, मौसम सुहाना है। ठीक है, तो ऐसे मौसम में रहना पसंद करते हैं कौन? कॉकरोचेस। ठीक है, साइज जो होता है इनका 3 इंच तक जा सकता है, बहुत ही छोटे साइज से लेकर 3 इंच तक ये पहुंच सकते हैं। इनके शरीर के ऊपर आपको एक कवरिंग मिलती है, काइटिन की बनी होती है, वो भी अपन देखेंगे उसके बारे में। लेकिन बात ये है कि ये जानवर नॉकचर्नल है। नॉकचर्नल का मतलब क्या होता है? देखिए, समझिए, नॉकचर्नल का मतलब होता है नाइट के समय अंधेरे में ये ज्यादा एक्टिव होता है। हिंदी में बेटा इसको निशाचर कहते हैं, निशाचर जीव कहा जाता है कॉकरोच को। क्या होता है निशाचर? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रात के समय ज्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें निशाचर कहा जाता है। जो दोनों समय, दिन और रात दोनों में एक्टिव होते हैं उन्हें डायर्नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायर्नल। कभी आपने घर में ऑब्जर्व भी करा होगा कि आप जैसे खाना वाना सब कंप्लीट करके किचन में बंद करके, बत्ती बत्ती बंद करके बाहर निकलते हैं ना, और अगर आप थोड़ी देर बाद वापस जाएं और जैसे ही आप लाइट चालू करना, तो देखना वहां पे खूब सारे कॉकरोच इकट्ठा मिलेंगे, और लाइट के चालू होते ही वो इधर उधर हो जाएंगे, भग जाएंगे सब, तितर बितर हो जाएंगे। वो जो है वो क्या प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि उस जीव को, उस प्राणी को उजाला पसंद नहीं है, तमराज किलविश हो रहा है, वो एकदम निशाचर है, रात के समय रहना पसंद करता है वो। ओमनीवोर्स है, ओमनीवोर। ओमनीवोर मतलब सब खा सकते हैं, सब कुछ खा जाएगा। ठीक है, अगर अपन देखें तो इंसान भी ओमनीवोर है, क्योंकि इंसान भी सब कुछ खा जाता है। गाय जो है वो गाय हर्बीवोर मानी जाती है। गाय भैया केवल घास ही खाएगी, पौधे से बने उत्पाद खाएगी। शेर जो है वो कार्निवोर है, शेर जो है वो केवल मांस खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। लेकिन जो हमारे कॉकरोच भाई साहब है और जो हम हैं, हम ओमनीवोर है, हम सब खा जाते हैं। हम घास भी खा लेंगे और हम जानवर भी खा जाएंगे, मतलब वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी। इनके साथ थोड़ी एक बात और जुड़ी हुई है, ये गंदगी भी खा जाएंगे। गंदगी समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। बात आ रही है डैम्प प्लेसेस। डैम्प प्लेसेस मतलब अंधेरी, नमी वाली, एकदम लुकी छुपी जगह पर, पर्दों के पीछे, अलवारी के नीचे पाए जाएंगे कौन? आपके कॉकरोच। ठीक है, पूरी दुनिया में मिलते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कॉकरोच जो है वो हमारे घरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सदस्य जैसे बन चुके हैं, लेकिन उनसे बेटा याद रखना बीमारियां होती है। कॉकरोचेस से बीमारियां होती है, या आपकी फलों को, फसलों को, पौधों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये कोई अच्छे जीव नहीं है, ये पेस्ट हैं। कैसे हैं? पेस्ट हैं, समझ आ गई बात आपको? पीड़क कहा जाता है इनको। तो ये कुछ बातें हुई आपकी, शुरुआती स्टार्टिंग पॉइंट्स हुए अबाउट द कॉकरोच। आगे बढ़ते बेटा,
यहाँ पे देखिए ये आपको एनसीईआरटी वाला एक डायग्राम दिया गया है, एनसीईआरटी में जो डायग्राम बताया गया है कॉकरोच के बारे में, मैं अभी डिस्कस करूंगा आपके साथ ये वाला डायग्राम। लेकिन इस डायग्राम को डिस्कस करने से पहले जो अपने को पढ़ना है वो ये वाला टॉपिक है, क्लासिफिकेशन। सिंपल है, याद कर बेटा क्लासिफिकेशन के पहले सीक्वेंस क्या होता है, कीप क्लास क्लीन, याद आया? ओके, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, बताया था ना, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। किंगडम कौन सी भाई साहब की, एनिमेलिया, जानवर है, ऑब्वियस सी बात है एनिमेलिया में आएगा। फाइलम अभी बताया था देखो आर्थ्रोपोडा, उसके अंदर क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, क्लास कौन सी है इंसेक्टा, ये बात याद रखना। ब्लेटोडी और ब्लेटीडी इसके ऑर्डर और फैमिली हैं रेस्पेक्टिवली, लेकिन जीनस इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए तेरे लिए, पेरीप्लैनेटा और भाई का पूरा नाम अमेरिकाना, कॉकरोच का जो पूरा नाम है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, याद रखना क्योंकि ये अमेरिकन कॉकरोच है। हमारे यहाँ पे जो कॉकरोच आपको अभी भी नॉर्मली घर में देखने को मिलते हैं, इंडियन कॉकरोच पता आपको बहुत कम हो चुके हैं। हाँ, जो घर में देखने को मिलते हैं वो इंडियन कॉकरोच नहीं, बड़े वाले जो होते हैं, बड़े पंख होते हैं उनके, वो अमेरिकन कॉकरोच है, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। जो इंडियन कॉकरोच है वो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, कलर में डार्क होते हैं, उनका नाम है ब्लेटा ओरिएंटालिस। वो अपने को नहीं देखने हैं, अपने कोर्स में एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, ठीक है। जहाजों की मदद से, जब शुरुआत में केवल समुद्री जहाज वगैरह चलते थे, उन्हीं की मदद से गेहूं चावल अनाज इन सबका आना जाना होता था, दूसरा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो उन्हीं में उन्हीं जहाजों की मदद से ये हमारे देश तक पहुंचे, यहाँ पे आके अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई, और अब समझ जाओ आप, ठीक है। तो डेट इज द पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, क्लियर, ये था क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते बेटा मॉर्फोलॉजी की तरफ आते हैं, काय में आते हैं मॉर्फोलॉजी में। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की मॉर्फोलॉजी पढ़नी है अपने को, ये बात याद रखना, ठीक है। इनकी लंबाई करीबन 34 से लेकर 53 मिलीमीटर है, दिस इज द लेंथ, लंबाई है उनकी। इनकी बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी कैसी है, सेगमेंटेड है, याद कर। सेगमेंटेड का मतलब क्या होता है, सेगमेंट्स में विभाजित। एनिमल किंगडम में पढ़ा था एक शब्द मेटामेरिज्म, खंडी भवन। तो बाबू यहां पर मेटामेरिज्म प्रेजेंट है, मतलब खंडी भवन उपस्थित है। उसका शरीर, कॉकरोच का शरीर अलग अलग खंडों में विभाजित है, अलग अलग पार्ट्स में विभाजित है, और वो पार्ट्स जो हैं वो ये रे बेटा, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। कौन कौन है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमन। तो अगर जैसे पूछा जाए, यहीं से क्वेश्चन चालू करते हैं अपन, कॉकरोच के शरीर में कितने पार्ट्स हैं, तीन। सबसे पहला पार्ट जो होता है उसको हेड कहते हैं, दूसरा पार्ट जो होता है उसको थोरैक्स कहते हैं, वक्षीय भाग, और तीसरा पार्ट जो आता है उसको एब्डोमन कहते हैं। क्या कहते हैं, एब्डोमन। एब्डोमन मतलब ये वाला पार्ट, उधर, किधर, उधर, हेड, थोरैक्स, वक्ष और एब्डोमन। इन तीन पोर्शंस में, इन तीन पार्ट्स में कॉकरोच का पूरा शरीर विभाजित होता है। इसके अलावा तुम्हें कॉकरोच के शरीर पे जो भी चीजें देखने को मिलेंगी, बोले सर उसमें तो पंख भी होते हैं, सर पैर भी होते हैं, सर एंटीना भी निकले हैं, सर मैंने तो उसकी आंखें भी देखी हैं, बेटा देखी होंगी मैं मानता हूं, वो सब इसी का मॉडिफिकेशन है, हेड का हेड भी आंखें देखी होंगी शायद, है ना, तो हेड ही के ऊपर आंख होनी चाहिए, ठीक है। तो हेड का मॉडिफिकेशन, आईज आ गई, एंटीना आ गया, माउथ पार्ट्स आ गए, विंग्स और लेग्स कहाँ पे आ गए, थोरैक्स में। जो आपका सेक्सुअल रीजन्स होते हैं, सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, वो कहाँ पे देखने को मिल गए आपको, एब्डोमन में, ठीक है। तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमन, इन तीन पार्ट्स में, तीन सेगमेंट्स में विभाजित। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा, हेड में एक सेगमेंट होता है, याद रखना बाबू, हेड में एक सेगमेंट होता है, थोरैक्स में तीन सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में तीन सेगमेंट होते हैं, एब्डोमन में 10 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमन में कितने सेगमेंट होते हैं, 10। एक बात वापस से क्या पढ़ रहे हैं अपन, कॉकरोच, कॉकरोच के शरीर को, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के शरीर को तूने कितने पार्ट्स में खंडी भवन करा, कितने पार्ट्स में सेगमेंटेड करा, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड करा, तो बाबू तीन। पहला आया हेड, दूसरा आया थोरैक्स और तीसरा आया एब्डोमन। हेड में एक सेगमेंट है, थोरैक्स में तीन सेगमेंट है, और एब्डोमन में 10 सेगमेंट आ रहे। अब यहां पे एक बात समझ, भले तूने बोल दिए 10 सेगमेंट है, लेकिन ये फ्यूज हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं,
और इस वजह से जो पुरुष नर आदमी कॉकरोच होता है उसमें कितने बचते हैं? 9। और जो महिलाएं होती है, अरे महिलाएं मतलब महिला कॉकरोच, लेडीज कॉकरोच, उनमें 7 बचते हैं। कितने बचते हैं? 7। तो ऐसा सिस्टम होता है फ्यूजन के बाद, मतलब जो 10 सेगमेंट है वो आपस में जुड़े जाते हैं। तो ये बोलने वाली बात है कि 10 सेगमेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। देखो अब दूसरी बात, पूरा का पूरा शरीर, एंटायर बॉडी कवर्ड बाय हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनाने वाला है। मैं इसको हटा रहा हूं और इसको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। ये बता चुका हूं हेड थोरैक्स एब्डोमेन। देख बेटा, बात यह है कि जो अपना कॉकरोच है ना, उसके शरीर के बाहर की तरफ एक कवच बना होता है। कवच हिंदी में कंकाल, इंग्लिश में स्केलेटन। क्योंकि ये स्केलेटन जो है ये शरीर के बाहर है, आउटसाइड बॉडी, तो कवरिंग तो है, और कवरिंग कहां पर है? आउटसाइड बॉडी है। तो इस कवरिंग के लिए आपने शब्द का उपयोग करा एक्सो, और क्योंकि वो सुरक्षा प्रदान कर रही है, सपोर्ट प्रदान कर रही है, सहारा प्रदान कर रही है, तो आपने लगा दिया आगे स्केलेटन। कुल मिला के नाम क्या पड़ा? एक्सो स्केलेटन। कॉकरोच जी का जो एक्सो स्केलेटन है ये एक सब्सटेंस से बना है जिसका नाम है काइटिन। क्या नाम है? काइटिन। तेरा मन करेगा चिटिन बोलने का, चिटिन नहीं है बेटा, चिटिन नहीं है, चिटिन नहीं है, ये काइटिन है। क्या है? काइटिन। क्वेश्चन सुन ले काइटिन पर। पहला क्वेश्चन, काइटिन क्या है? तो बाबूजी काइटिन एक होमोपॉलीसेकेराइड है। हेटरो मत कर देना, क्लास में भी बार बार बताया है तेरे को मैंने, बायोमोलिक्यूल चैप्टर याद आया, पुरानी यादें। काइटिन क्या है? होमोपॉलीसेकेराइड है, एक बात। दूसरी बात, किस यूनिट से बना है? तो एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। बेटा प्यार से इसको छोटे में अपन नाग बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? नाग। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन की कई हजार लाख इकाइयां, यूनिट्स, जब आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़ेगी तब जाके बनेगा कौन? काइटिन। एक बात, जब काइटिन बनेगा तो काइटिन बनाएगा एक्सोस्केलेटन, बाहर का कवच, कंकाल बनाएगा किसका? कॉकरोच का। कॉकरोच को सुरक्षा प्रदान करेगा। कॉकरोच को देखना, कॉकरोच एकदम चमकता हुआ रहता है, ऐसा लगता है अभी बस कंडीशनर लगाकर ही आया है। वो चमक जो है वो किसकी है? काइटिन की। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन बनाने वाली बात है बेटा आपकी वो ये है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी चल रही है अभी आपकी कॉकरोच की, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। ओके, अब ईच सेगमेंट के ऊपर आपको काइटिन का एक्सोस्केलेटन मिल रहा है, और उस काइटिन के एक्सोस्केलेटन की जो प्लेटें होती ना, प्लेट जिनसे कवच बनता है, उन्हें स्क्लेराइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्क्लेराइट। समझाता हूं मैं, देखो, देख ठीक है। इसे मान ले कि मैंने कॉकरोच का एक छोटा सा हिस्सा बनाया, मान ले कि ये कॉकरोच का थोरैक्स वाला भाग है। कौन सा वाला भाग है? थोरैक्स, याद कर अभी पढ़ा था, हेड थोरैक्स एब्डोमेन। ठीक है, मैंने एक बात और बोली थी कि थोरैक्स के अंदर कितने सेगमेंट्स हैं? 3। 3 सेगमेंट बताया था मैंने तेरे को थोरैक्स में, ये देख 3 पार्ट दिख रहे थे। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है, ध्यान से सुनना, हर सेगमेंट पे टोटल जितने भी सेगमेंट है कॉकरोच के अंदर सबके ऊपर देखो कवच मिलेगा काइटिन का बना हुआ, और वो कवच जो कहलाएगा वो कहलाएगा स्क्लेराइट। क्या कहलाएगा? स्क्लेराइट। देख मैं बता रहा हूं, देखो ये शरीर है कॉकरोच का, इसके ऊपर पता है क्या करा उन्होंने? कवरिंग, एक परत चढ़ा दी, ये काइटिन से बनी कवच है। काय से बना? काइटिन से बना। ये तो ऊपर से देख रहा है, बाहर की तरफ से कॉकरोच बैठा हुआ है तो उसको देख रहा है। ऐसे ही एक कवच इस तरफ भी आएगा, साइड में
इस तरफ भी आएगा साइड में, और नीचे यानी अधरीय सतह पर मतलब वेंट्रल तरफ अगर तू कॉकरोच को पलट के देखेगा ना तो वहां पर भी देखो काइटिन का कवच मिलेगा। जैसे युद्ध पे जाते थे ना, तो युद्ध पे जाते थे तो यहाँ पे पूरा ऐसा कवच पहन लेते थे। अरे यहाँ पे अगर कवच पहनेंगे तो बेटा पीछे भी तो पहनना पड़ेगा, पता चले पीछे से किसी ने आगे मार दिया, साइड में भी पहनना पड़ेगा। तो बस वही बात हो रही है, यहाँ का कवच अलग, साइड का अलग, डॉर्सल यानी पृष्ठीय सतह का कवच अलग। हर कवच को एक नाम दिया, वो नाम है स्क्लेराइट। क्या नाम दिया? स्क्लेराइट। जो कवच पीछे की तरफ है पृष्ठीय पर डॉर्सली, उसको टर्गाइट बोलेगा, याद रखना। और जो वेंट्रली है आगे की तरफ, उसे स्टर्नाइट बोलेगा। क्या बोलेगा? स्टर्नाइट। ठीक है, ओके। देख मैं यहां पे आसानी से समझा रहा हूं। देख तूने बोला कवच है, कवच काय का है? काइटिन का। ठीक है, काइटिन की प्लेटें बन रही हैं, प्लेट कवरिंग। काइटिन की इन प्लेटों को तूने नाम दिया स्क्लेराइट। ठीक है, तो ये स्क्लेराइट क्या हुआ? स्क्लेराइट काइटिन की प्लेट है, स्क्लेराइट काइटिन की प्लेट है। ठीक है, वह स्क्लेराइट, वह प्लेट जो शरीर को डॉर्सली, डॉर्सली मतलब पृष्ठीय पीछे की तरफ से कवर करेगी, उसका नाम अलग है। और जो शरीर को अधरीय मतलब आगे की तरफ से कवर करेगी, उसका नाम भी अलग है। जो शरीर को डॉर्सली कवर कर रही है उसको तूने नाम दिया टर्गाइट, और जो अधरीय आगे की सतह से कवर कर रही है उसको तूने नाम दिया स्टर्नाइट। क्या नाम दिया? स्टर्नाइट। लेकिन अल्टीमेटली पूर्ण रूप से है तो क्या यही दोनों, पीछे वाला कवच आगे वाला कवच, है तो दोनों कवच। कवच मतलब प्लेट, प्लेट काय की बनी? काइटिन की। ठीक है, प्लेट काय की बनी? काइटिन की। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई देखो, ओके। और ये सभी की सभी प्लेटें एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी हुई है, एक पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा जुड़ी हुई है। और ये जो प्लेटें हैं ये जिस पर बिछी हुई हैं, जिस मेम्ब्रेन पर, उसे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते बेटा। क्या बोलते हैं? आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, यानी कि आर्थ्रोडियल झिल्ली उसको कहा जाता है। ये सारी की सारी प्लेटें जो है ना, ये इसी आर्थ्रोडियल झिल्ली के ऊपर रखी हुई हैं। जैसे अपने घर पे पापड़ बनाते हैं ना, तो पापड़ को तू ये मान ले प्लेटें, लेकिन तू देखना वो जो पापड़ डाले जाते हैं ना, तो वो साड़ी के ऊपर या चद्दर के ऊपर डाल देती है मम्मी। वो जो चद्दर है या जो साड़ी है जिसके ऊपर सारे पापड़ डले हुए हैं, वो ये है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ये इन सभी स्क्लेराइट को, पूरे कवच को आपस में क्या करके रखेगी? जोड़ के रखेगी, आपस में चिपका के रखेगी, ऐसा सिस्टम रहता है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। इसका हेड ट्रायंगुलर होता है, त्रिभुजाकार होता है, मतलब एकदम त्रिभुजाकार नहीं है, अभी तुमने देखा था थोड़ा इस प्रकार का होता है, ट्रायंगुलर शेप होता है इसका। ठीक है, ओके। दूसरी बात ये आ रही है, शीश का यानी हेड का निर्माण 6 सेगमेंट के मिलने से होता है, 6 सेगमेंट के मिलने से हेड का निर्माण होता है। मैं तुमको बता देता हूं, असलियत में कॉकरोच जब लार्वा अवस्था में होता है, कौन सी अवस्था में होता है? लार्वा अवस्था में, तो उसके शीर्ष भाग में, उसके हेड रीजन में 6 अलग अलग सेगमेंट होते हैं। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट में परिवर्तित होता है, एडल्ट में उसका मेटामॉर्फोसिस होता है, चेंज होता है, तो वो जो 6 सेगमेंट है वो सब आपस में जुड़ जाते हैं, सबके सब आपस में जुड़ जाते हैं। नहीं, कॉकरोच के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वा स्टेज कन्वर्ट होती है, रूपांतरित होती है, बदलती है एडल्ट में। बात यह है कि जो लार्वा अवस्था होती है उसमें कॉकरोच का जो हेड है लार्वा का,
वो छह सेगमेंट से बना हुआ है। कितने सेगमेंट से बना हुआ है? छह से। और फिर जब ये छह सेगमेंट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तब जाके बचता है एक सेगमेंट, जो कि हमने पढ़ा है किसमें? एडल्ट में। किसमें पढ़ा है? एडल्ट में। तो ऐसा सिस्टम होता है बेटा। साथ ही साथ नेक होती है, छोटी सी नेक होती है इसकी, ओके, और फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा होती है ताकि वो सभी डायरेक्शन में आसानी से क्या कर सके, देख सके। इसी हेड रीजन पर पेयर पाया जाता है कंपाउंड आईज का। अच्छा याद रखना एक बात, हमारे पास जो आईज है वो सिंपल आईज है, कॉकरोच के पास कंपाउंड आईज और सिंपल आईज दोनों होती हैं। अभी अपन पढ़ेंगे उसके बारे में कि कौन सी आई कंपाउंड आई होती है और कौन सी आई सिंपल आई होती है, ठीक है। चलिए चालू करते हैं नेक्स्ट वाला टॉपिक। अगला जो टॉपिक आ रहा है आपका, देखिए क्या बोला जा रहा है बेटा, थ्रेड लाइक एंटीना बताए जा रहे हैं। ये देखिए एंटीना है, वो भी थ्रेड लाइक इन फ्रंट ऑफ आईज। एंटीना संवेदी है, सेंसरी रिसेप्टर के जैसा काम करते हैं। एंटीना संवेदी है, सेंसरी रिसेप्टर्स के जैसा काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं, डायग्राम में एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है। ये देखिए ये आपका हेड रीजन है पूरा, ठीक है। हेड रीजन जो है यहां पर आपको मिल रहे हैं सॉकेट्स, ये जो दिखाए जा रहे हैं ये सॉकेट्स बने हुए हैं, और ये कंपाउंड आई का पेयर बन गया है यहाँ पे। दिस इज द पेयर ऑफ कंपाउंड आई। अब क्या बोला गया था अभी जो मैंने आपको लाइन दिखाई थी वहां पर, कि कंपाउंड आई के पेयर में ही आपको देखने को मिलेंगे एंटीना। क्या देखने को मिलेंगे? एंटीना देखने को मिलेंगे। आपको पता है एंटीना जो होते हैं इनके नेचर में सेंसरी है। हाँ जी, ये टच को, यानी कि टच अगर किसी चीज को कर जाएंगे, स्पर्श संदेशक होते हैं, साथ ही साथ वाइब्रेशंस को भी पहचान सकते हैं। काय को पहचान सकते हैं? वाइब्रेशंस को। आप एक बात ऑब्जर्व करिएगा, कभी अगर आप जैसे किचन में जाते हैं आपको कॉकरोच मिलते हैं, तो जैसे ही आपने जमीन पे कदम रखा वो तुरंत इधर उधर भागना चालू कर देते हैं। तो डेट इज बिकॉज ऑफ द एंटीना। दूसरी बात ये भी रहती है कि ये टच की सेंसेशन भी प्रोवाइड करवाते हैं, काय की सेंसेशन प्रोवाइड करवाते हैं टच के, ठीक है। चलिए वापस आते हैं, क्या बोला जा रहा है, हेड पर ही आपको इनको माउथ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। इनके माउथ पार्ट्स इस तरीके से बने होते हैं कि ये खाने को काट सकें और काट कर चबा सकें। अलग अलग जानवरों के माउथ पार्ट्स अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, कुछ के ग्राइंडिंग के लिए होते हैं, कुछ के बाइटिंग के लिए होते हैं, कुछ के बाइटिंग और च्यूइंग के लिए होते हैं। तो हमारे जो कॉकरोच हैं इनके वे माउथ पार्ट्स बाइटिंग और च्यूइंग के लिए। एक बात और, जितने भी माउथ पार्ट्स हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, अगर इसमें लिखा होगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। माउथ पार्ट्स बेटा काइटिनस होते हैं, मतलब उनके ऊपर सभी मुख भागों के ऊपर कवरिंग मिलती है आपको काय की, काइटिन की। मैंने अभी आपको बताया था कि इनका एक्सोस्केलेटन जो है बाह्य कंकाल वो भी काय का बना हुआ है, काइटिन का। काइटिन एक कड़क सब्सटेंस है, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस है। तो इनके पास ओरिजिनल कहने वाले दांत नहीं है, जैसे हमारे पास दांत है ना काटने के लिए चबाने के लिए, इनके पास काइटिन की बनी संरचनाएं हैं, काइटिन के बने स्ट्रक्चर्स हैं जो कि खाने को काटेंगे और चबाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे कि हमारे दांत करते हैं। यहां पर आपको मैंडिबल मिलेंगे, मैक्सिला मिलेगा, लेब्रम और लेबियम भी मिलेगा। अच्छा पता आपको लेब्रम को अपर लिप माना गया है, डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए ये इनका लेब्रम है, ये रे कंपाउंड आए, ये रहा पूरा हेड रीजन, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपको लेब्रम दिखाई दे रहा है, दिस वन, ये लेब्रम है। लेब्रम को इन्होंने अपर लिप माना है, ऊपरी होंठ। हाँ जी, कॉकरोच के भी होंठ होते हैं, भले कड़क हुए तो क्या हुए, ठीक है। कॉकरोच के में शरीर में भी उसके हेड रीजन में आपको क्या देखने को मिलेंगे? होंठ मिलेंगे। लेबियम जो होता है इसको लोअर लिप माना गया है, निचला होंठ माना गया है। जितने भी माउथ पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं सब कड़क दिख रहे हैं, हेयरी एंड कड़क रीजन से बने हुए, ग्राइंडिंग के लिए है। काय के लिए है? ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। बीच में एक स्ट्रक्चर है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से दीजिएगा। लोब लाइक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का नाम है हाइपोफेरिंग्स। क्या नाम है स्ट्रक्चर का? हाइपोफेरिंग्स। और ये हाइपोफेरिंग्स किसके जैसा काम करता है? टंग के जैसा। किसके जैसा? टंग।
कुछ बातें बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना और समझना, इधर वापस से अपन पूरा देख रहे हैं, ठीक है। अभी अपन कॉकरोच के हेड रीजन पर हैं, के हेड रीजन के बारे में आपको बताया जा रहा है। हेड रीजन में इन्होंने बोला है माउथ पार्ट्स के बारे में, तो क्वेश्चन बनाने वाली क्या क्या बातें हो सकती हैं, एक वर्ड हुआ लैब्रम, एक वर्ड हुआ लैबियम, एक वर्ड हुआ हाइपोफेरिंक्स, फिर इन्होंने सबके लिए कुछ और नाम भी बोले, बोले ये इसके जैसा काम करता है, ये इसके जैसा काम करता है, ये सब इन्होंने बताया। देखिए लैब्रम को उन्होंने क्या बताया बेटा, अपर लिप, लैब्रम इज द अपर लिप, ऊपरी होंठ है। लैबियम को इन्होंने क्या बताया है, यहां पे लिख देते हैं अपन लोअर लिप। साथ ही साथ स्ट्रक्चर हाइपोफेरिंग्स किसके जैसा बताया गया है, टंग के जैसा। तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी साइड छोटे में अपन ने दो 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 शब्दों में खत्म कर दिया। मैक्सिला और मैंडिबल भी है। अच्छा माउथ पार्ट्स के बारे में क्या बोला गया है जो मैंने आपको अलग से बताया, सभी माउथ पार्ट्स काइटिनस है। कैसे है, काइटिनस, जो कड़कता है उनमें वो किसकी वजह से, किसके दम पर है, काइटिन के दम पर, ठीक है। ओके सो ये हो गए माउथ पार्ट्स के बारे में। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपन आ गए हैं थोरैक्स पर, कौन से रीजन पे आ गए, थोरैक्स। एक बार वापस बता रहा हूं, हमने कॉकरोच के पूरे शरीर को तीन भागों में विभाजित किया था, हेड थोरैक्स एब्डोमन, हमने कॉकरोच के पूरे शरीर को तीन भागों में विभाजित किया था, हेड थोरैक्स एब्डोमन। अभी अपन कहां पे आ गए हैं, थोरैक्स पे, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा, थोरैसिक रीजन आ गया है। सबसे पहली बात, हेड कनेक्टेड होता है थोरैक्स से, इसके द्वारा प्रोथोरैक्स के द्वारा, और इसी प्रोथोरैक्स को आप किस नाम से जानते हैं, नेक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नेक, गर्दन वाला भाग जो है उस नाम से जानते हैं, ठीक है। ओके अब थोरैक्स के ऊपर ऐसे कई सारी चीजें हैं जो क्वेश्चन बना सकती हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा जी। अगर मैं इसको एक कॉकरोच मानूं, मान लेते हैं मेरी बात मानो, इसको कॉकरोच मान लो, ये उसका अपन ने हेड रीजन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि ये इतना रीजन जो है ये उसका थोरैक्स हो गया है, देन फिर एब्डोमन आ रहा है। तो थोरैक्स में तीन पार्ट्स आते हैं, ओके, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है ना। ओके सबसे पहले जो बात आ रही है वो ये है, दिस वन, दिस इज प्रोथोरैक्स, दिस इज मेसोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स के नाम से जाना गया है, और ये कौन सा हो गया है, मेटाथोरैक्स, कौन सा हो गया है, प्रो, देन सेकंड वाला आया मेसोथोरैक्स, और थर्ड वाला आया मेटाथोरैक्स। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है कि तीनों जो थोरैक्स के भाग है ना, यहां से आपको एक एक पेयर ऑफ लेग मिलेगा, क्या मिलेगा, पेयर ऑफ लेग, बाकायदा पैरों की जोड़ियां निकल रही है, एक पैर नहीं निकल रहा, पैरों की जोड़ियां निकल, अरे भैया एक अगर इस तरफ होगा तो एक इस तरफ भी होगा, फिर एक इधर, ये जोड़ी बन गई ना। तो देखा जाए तो कॉकरोच में लेग्स कितने हैं, तीन पेयर हैं, तीन पेयर हैं तो मतलब छह हो गए ना टोटल बेटा, हेक्सापॉड है, कैसा है, हेक्सापॉड, पॉड मतलब पैर, हेक्सा मतलब छह, ठीक है। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हम टेट्रापोडा में आते हैं, काय में आते हैं, टेट्रापोडा में, क्लियर। चलिए दूसरी बात आ रही है, कॉकरोच के पास पंख भी होते हैं, हाँ जी, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना जी जो है इनके पास पंख भी है। मैं वापस बोल रहा हूं, अपन पढ़ रहे हैं थोरैक्स रीजन, हम थोरैक्स रीजन पर आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है कि थोरैक्स में तीन भाग होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स को गर्दन माना गया है, प्रोथोरैक्स को क्या माना गया है, गर्दन माना गया है। थोरैक्स के तीन सेगमेंट है,
तीनों सेगमेंट में से एक एक जोड़ी पैर निकल रहे हैं, तो टोटल तीन जोड़ी पैर हुए, तो पैरों की संख्या हो गई छह। पैरों की संख्या कितनी हो गई? छह। अब बात आती है पंखों की, विंग्स की। तो बेटा यहां पे पंख नहीं है, प्रोथोरैक्स में कोई पंख नहीं है, याद रखना, पंख नहीं है, पैर हैं, पंख नहीं है। मेसोथोरैक्स में पंख है, बड़े पंख है। मेसोथोरैक्स के पंख जो होते हैं ना, वो बड़े होते हैं, लेदरी होते हैं, कलर में डार्क होते हैं। इन्हें टैगमिना कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखियो बाबू, याद रखना। मेसोथोरैक्स के निकलने वाले पंखों को क्या नाम दिया गया है? टैगमिना। क्या नाम दिया गया है? टैगमिना। मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देख, सुन और समझ। आ गए हैं कॉकरोच के पंख, उड़ते हुए कॉकरोच, ठीक है, विंग्स, ठीक है। दो पेयर हैं, फोर विंग्स और हाइंड विंग्स। फोर विंग जो होते हैं ये मेसोथोरैक्स पे होते हैं, याद रखिएगा। फोर विंग्स कहां पे होते हैं? मेसोथोरैक्स। हाइंड विंग्स कहां पे होते हैं? मेटाथोरैक्स। हाइंड विंग्स, मेटा, तीन तो थोरैक्स ही थे, तीन तो थे थोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब मैंने देखो पहले ही बता दिया है कि प्रोथोरैक्स में पंख होते नहीं है, तो बचा कौन? मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। जो मेसोथोरैक्स वाले पंख है ना बेटा, ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, डार्क होते हैं, लेदरी होते हैं, और इनका तो उपयोग उड़ने में नहीं करता है, याद रखना। उड़ने में उपयोग नहीं होगा किसका? फोर विंग्स का। मेसोथोरैक्स विंग्स का उपयोग उड़ने में नहीं होगा। तो बोले सर काहे से उड़ेगा फिर? अरे तू खुद ही समझना ना बेटा, काहे से उड़ेगा? हाइंड विंग्स से। हाइंड विंग्स पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, छोटे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और मदद करते हैं फ्लाइट में। उड़ जा कॉकरोच। लड़कियां कॉकरोच के सामने बहुत हिम्मत दिखाती, एकदम चप्पल लेके उसके पास तक पहुंच जाती है। ये हिम्मत तभी तक रहती है जब तक कॉकरोच अपने पंख नहीं फैला पाता है। एक बार अगर उसने पंख फैलाए, उड़ना चालू करा, दीदी कमरे से सीधी बाहर, समझ गए ना? तो उड़ता वो किसके दम पर है? हाइंड विंग्स, ना कि फोर विंग्स। समझ आ गई बात आपको? ये सिस्टम होता है किसका? कॉकरोच का। किसका? कॉकरोच का, ठीक है, ओके। थोरैक्स वाला रीजन याद रखना। विंग्स कहां पर? थोरैक्स में। पैर कहां पर? थोरैक्स में। छह पैर है, ठीक है, हेक्सापॉड। अगर जोड़ी में पूछें तो तीन जोड़ी पैर है, थ्री टू जा सिक्स। पंख चार हैं, दो जोड़ी, ठीक है, टू टू जा फोर। इतना तो मैथ समझ जाएगा ना, ठीक है। आगे वाले पंख कहलाते हैं फोर विंग, पीछे वाले कहलाते हैं हाइंड विंग। फोर विंग होते हैं मेसोथोरैक्स से, हाइंड विंग्स होते हैं मेटाथोरैक्स से। उड़ेगा किससे? मेटाथोरैसिक विंग्स से, ठीक है, ओके। चलिए आखिरी पॉइंट देखते हैं इस पेज का। एब्डमन, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैंने बताया था फ्यूजन बाद में होगा, लेकिन मेल और फीमेल के एब्डमन में कितने सेगमेंट है बाबूजी? दस। दस सेगमेंट है टोटल, 14 सेगमेंट। रिपीट कर रहा हूं, हेड में एक, थोरैक्स में तीन और एब्डमन में 10 सेगमेंट। 14 सेगमेंट टोटल पाए जाते हैं कॉकरोच के शरीर में। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट आ रहा है, ध्यान से सुनना और समझना। जो फीमेल कॉकरोच है, महिला कॉकरोच, उनमें जो सेवेंथ वाला स्टर्नम, उसके जो सेगमेंट है उसको स्टर्नम बोला गया, बोट शेप्ड बताया गया। अब मेरी बात सुनना, ये बताया क्या है? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सीधा क्वेश्चन आ चुका है, पुरानी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखियो, क्वेश्चन आ चुका है कि भैया ये कैसे पहचानेंगे कि कौन महिला कॉकरोच है और कौन पुरुष कॉकरोच है? नर और मादा कॉकरोच की पहचान, मेल फीमेल कॉकरोच की पहचान कैसे होगी? हेड से होगी,
थोरैक्स से होगी या एब्डोमेन से होगी? अरे ऐसा तू देख के नहीं बता पाएगा कि कौन कॉकरोच कौन सा है, एब्डोमेन रीजन से पता चलेगा। किससे? एब्डोमेन से, याद रखना। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है कहां पर? तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है एब्डोमेन में। कहां पे मिलता है? एब्डोमेन। बोले सर कैसे देखने को मिलेगा? देख मैं बताते हैं, मैं बताते हैं। फीमेल की पहचान ये कि उसका जो एब्डोमेन का सेवंथ सेगमेंट है, सेवंथ स्टर्नम है, सेवंथ स्टर्नम सेगमेंट बोट शेप्ड है। याद रखना बाबूजी, क्वेश्चन आ चुका है, बोट शेप्ड पहचान है, नाव के समान होता है। कैसा होता है? नाव के समान होता है। जबकि अगर मेल की बात करी जाए, किसकी बात करी जाए? मेल की, तो मेल में ये रहा शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल्स पाई जाती हैं, जो फीमेल्स में एब्सेंट होती है। तो अगर किसी कॉकरोच के पास एनल स्टाइल्स नामक संरचना है, फाइबर की जैसी संरचनाएं होती हैं, और अगर ये संरचनाएं किसी कॉकरोच के अंदर, किसी कॉकरोच के शरीर में, उसके एब्डोमेन में सेगमेंट के लास्ट सेगमेंट में प्रेजेंट है, मतलब वो कॉकरोच क्या माना जाएगा? मेल। और अगर किसी कॉकरोच का सेवंथ सेगमेंट बोट शेप्ड है तो वो क्या हो जाएगा? फीमेल। कॉकरोच में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, याद रखना। कॉकरोच यूनिसेक्सुअल है। कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल। समझ आ गई बात आपको? क्लियर है? ओके, अब ये सब कुछ बातें बताई गई हैं, अभी अपन पढ़ेंगे। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया जा रहा है, कॉकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे एंटीरियर पार्ट जो होता है नाइन्थ स्टर्ना का, सेवंथ एट नाइन्थ, ये तीन हिस्से जो हैं फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। वहीं पर मेल के अंदर बताया गया है कहां पर? नाइन्थ और टेंथ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बोथ सेक्सेस, दोनों में ही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, टेंथ वाला जो सेगमेंट है उस पर एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, एनल स्टाइल अलग है और एनल सरसी अलग है। बाबू एनल सरसी जो है ये एक सेंस ऑर्गन है, ना कि सेक्स ऑर्गन, याद रखना। इट इज अ सेंस ऑर्गन, और क्योंकि ये सेंस ऑर्गन है मतलब ये दोनों में पाया जाएगा, मेल में भी और फीमेल में भी, नर में भी और मादा में भी, ठीक है। नर की पहचान एनल स्टाइल्स, फीमेल की पहचान सेवन सेगमेंट कैसा होगा? बोट शेप। समझ आ गई बात? ठीक है, तो ये हो गया मॉर्फोलॉजी। इसी के साथ आपकी कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी जो है बेटा ये कंप्लीट हुई। अपने बेसिक एनसीईआरटी पूरा आपको समझा दिया है, सारे वो पॉइंट समझा दिए हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन बनाने वाले हैं, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी आ गई है भैया कॉकरोच की। एनाटॉमी में अपन पढ़ेंगे सारे सिस्टम्स जो कि कॉकरोच के शरीर में पाए जाते हैं। इसमें अपन पढ़ेंगे कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। ओके, ये चार पांच पांच सिस्टम जो है अपने को देखने, ठीक है। नंबर वन कौन सा आ रहा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देख बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम में तो इतनी बात, इतनी समझ तो तेरे में भी है, उसके अंदर क्या पाई जाएगी? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है इसको तूने तीन पार्ट्स में डिवाइड करा, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। सिंपल सी बात है, द डाइजेस्टिव सिस्टम और द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। द फर्स्ट स्टार्ट, जहां से शुरुआत होती है आहार नाल की, उसको बोलते हैं फोरगट। क्या बोलते हैं? फोरगट, अध्रीय भाग, आगे वाला शुरुआत प्रारंभ। फिर आता है मिडगट, और फिर आ जाता है तीसरा और आखिरी हाइंडगट। ये तीन पार्ट्स जो हैं इसमें डिवाइड करा गया, ठीक है। माउथ, अभी मैं देखो बताया था माउथ पार्ट्स भी बताए थे। माउथ से आगे पहुंचते तो फेरिंग्स में जाते हैं, फेरिंग्स से फिर आ जाता है ईसोफेगस, ठीक है। सीक्वेंस देखना, माउथ, माउथ से फेरिंग्स,
फेरिंग्स से ईसोफेगस, और फिर ईसोफेगस से हम सीधा कूदी मारेंगे कहां पर? क्रॉप में। कहां पे जाएंगे? क्रॉप। क्लियर? ओके, एक बार वापस से समझा रहा हूं बेटा, अपन कॉकरोच की एनाटॉमी चालू कर चुके हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। भैया कॉकरोच भी इंसान है, उसे भी भोजन चाहिए। अरे इंसान मतलब खाने को उसको भी चाहिए। अब अगर खाने को चाहिए तो वो खाना को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, तो डाइजेशन के लिए जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम। कॉकरोच के अंदर पाई जाती है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि डिवाइडेड होती है थ्री पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, आगे वाला हिस्सा, बीच वाला और अंत, खत्म। बात यह है कि जो माउथ है उसके जस्ट बाद फेरिंग्स है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस जाएगा काय में, क्रॉप पे। अभी मैं वन बाय वन सीक्वेंस बनवाऊंगा इनका, आप देखिएगा। क्लियर? ओके, ये देखिए, ये देखिए बेटा, ये कॉकरोच था, अब तो है नहीं क्योंकि उसकी एलिमेंट्री कैनाल पूरी बाहर निकाल ली गई है। ठीक है, ये देखिए, यहां से स्टार्ट हुआ है, माउथ रीजन आ रहा है, माउथ में उसके सलाइवरी ग्लैंड्स थे, लार ग्रंथियां। ओके, यहां से फेरिंग से चालू हुआ, फेरिंग से जो है वो ईसोफेगस में गया। ये रीजन को क्या बताया गया है? ईसोफेगस। इस रीजन को फेरिंग्स बताया गया है। आगे बढ़ता हुआ देखो, थैले के समान बैग लाइक स्ट्रक्चर आ गया है। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉप। क्रॉप का मेन फंक्शन है भोजन को, खाने को जमा करना। आप समझना, कॉकरोच इधर से खाना खा रहा है तो वो खाना इस थैली में आके जमा होता जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही डाइजेस्ट हो गया और तुरंत ही एब्जॉर्ब भी हो गया, इतनी जल्दी काम नहीं होगा। यहां पर काम थोड़ा अलग होता है, आप समझना मेरी बात। कॉकरोच अपने माउथ से उतनी अच्छी से नहीं चबा पाता है चीजों को जितना अच्छे से हम चबा सकते हैं, उतना अच्छे से कॉकरोच नहीं चबा पाता है। कॉकरोच एक चक्की जैसा सिस्टम चलाता है। चक्की देखी, आटा आटा पीसते हैं जहां पे, तो अगर आपने चक्की देखी होगी ना, ऐसा वहां पे एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, फिर यहां पे ऐसा नैरो होता जाता है, ठीक है, फिर यहां से वो थैला निकलता है और ये आटा बाहर आ जाता है। गेहूं डालो, आटा निकालो, ठीक है, वो नहीं आलू डालो सोना निकालो, वाला नहीं करना है, वो बड़े होके करेंगे अपन। अभी गेहूं डालो, आटा निकालो। बेटा ये जो हिस्सा दिख रहा है देखो, इतना ये क्रॉप है, इसमें तू खाने को डाइजेस्ट नहीं करेगा, तोड़ेगा नहीं, केवल खाने को जमा करेगा, स्टोर। फिर धीरे धीरे खाना आगे बढ़ता जाएगा और ये जाएगा गिजार्ड में। यहां पर खाने का तोड़ने का जो प्रोग्राम है ना, वो यहां पर होगा, इस जगह पर, ठीक है, ओके। यहां पर जो गिजार्ड रीजन है, दिस इज द गिजार्ड, ये क्या हो गया? गिजार्ड। गिजार्ड का फंक्शन क्या है? टू ब्रेक, तोड़ने का काम है। खाने को तोड़ने की जिम्मेदारी किसको देके रखी है? गिजार्ड को। गिजार्ड में असलियत में काइटिन के बने दांत है, काइटिन की बनी प्लेट है, जो कि खाने को तोड़ती जाएगी, ब्रेक करती जाएगी, और वो टूटा हुआ खाना आगे जाएगा। इतना हिस्सा जो है बेटा, ये देख, इतना हिस्सा जो है ये फोरगट है, दिस इज द फोरगट। फिर ये देख क्या लिखा है यहाँ पे, ये आ गई तेरी मिडगट। कौन आ गई? मिड। और ये आ जाएगी हाइंडगट, लास्ट वाला पोर्शन, ठीक है। देखते हैं अभी, समझते हैं आगे क्या बताया जा रहा है। देख क्या बोला जा रहा है, द क्रॉप इज फॉलोड बाय गिजार्ड। तो मतलब कहां से आ गए अपन? सबसे पहले माउथ था, माउथ के बाद आया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आया ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद उनने बोला क्रॉप, क्रॉप के बाद आया गिजार्ड। याद रखने वाले एक, याद रखने वाले दो, क्रॉप में खाना जमा होगा लेकिन गिजार्ड में खाने को पीसा जाएगा। गिजार्ड में क्या करा जाएगा? खाने को पीसा जाएगा। बोले सर कैसे पीसना है, पीस के बताओ।
देख बेटा ये तेरा गिजार्ड है ना, मैं थोड़ा सा कट सेक्शन बना रहा हूँ, ये मसल की लेयर है। काहे की लेयर है? मसल की। और उस मसल की लेयर के अंदर की तरफ काइटिन से बनी छह प्लेटें हैं। उस मसल की लेयर के अंदर काइटिन से बनी छह प्लेटें हैं जो कि दांत के जैसा काम करती है। किसके जैसा काम करती है? दांत के जैसा। अब ये बाहर मसल है, ये मसल है, बाहर मसल की लेयर है। मसल की लेयर जो है ये लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होगी। जब ये ऐसा करेगी तो अंदर कौन बैठा हुआ है? अंदर गिजार्ड है। गिजार्ड जो है मतलब टीथ हैं, छह टीथ हैं। अब यहां से जो खाना जाता जाएगा ये दांत उसको पीसते चले जाएंगे। क्या कर चल जाएंगे? पीसते हुए करेंगे, पीसते चले जाएंगे, ब्रेक करते चले जाएंगे। तो वो काम कौन करेगा? समझ आई बात? चक्की वाला बताया था ना एग्जाम्पल। तो ये चक्की का स्टोर हाउस है जिसमें तू खाना डालेगा, गेहूं डालेगा, लेकिन जो उसको पीसेगा, जो मशीन है ओरिजिनल, वो है गिजार। कौन है? गिजार। ग्राइंडिंग, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन है, ग्राइंडिंग का काम करती है पूरा का पूरा। इतना फोरगेट क्या बाबू? ये क्या है रे? फोरगेट। क्या है? फोरगेट, आगे वाला हिस्सा। और पूरे फोरगेट पे लाइनिंग देखो, अंदर की तरफ काय की मिलेगी? क्यूटिकल की। काय की लाइनिंग मिलेगी? क्यूटिकल की। समझ गया? याद रखने वाली बातें। एक क्रॉप, दो गिजार्ड। गिजार्ड जो है उसमें कितनी प्लेटें हैं? काइटिन की छह। और गिजार्ड का काम क्या है? ग्राइंडिंग। ठीक है, याद रखना, समझ गया बात को। चले आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ गए हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अभी देखो लास्ट जो मैंने छोड़ा था वो गिजार्ड पे छोड़ा था, ठीक है? गिजार्ड फोरगट का आखिरी हिस्सा था। अब जहां पे फोरगट चालू हुई वहां पे चालू हो जाएगी उसके जस्ट बाद में आपकी मिडगट। कौन आ जाएगी? मिडगट। जंक्शन पर, यहां ये जंक्शन है जुड़ने वाला हिस्सा, यहां पर आपको कुछ स्ट्रक्चर मिलेंगे जिनको हिपेटिक सीके कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिपेटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके। देखो पता है जो हिपेटिक सीके है ना, ये हमारे लिवर के जैसा काम करते हैं। जैसे इंसानों के अंदर लिवर होता है ना, अब कॉकरोच इतना बड़ा जानवर तो है नहीं कि तुम उसके अंदर लिवर लगा के घूमोगे, नहीं। तो उसके अंदर तुमने क्या लगा दिए हैं? हिपेटिक सीके या फिर गैस्ट्रिक सीके। हमारे अंदर लिवर जो है वो जूस प्रोड्यूस कर रहा था, बाइल जूस। यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन कहाँ से होगा? हिपेटिक सीके से। कहाँ से प्रोडक्शन होगा? हिपेटिक सीके से। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। फोरगट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यहां से आपकी मिडगट चालू हो चुकी है। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर क्या है? हिपेटिक सीके, जिनका काम है डाइजेस्टिव यानी पाचक रसों का स्त्रावण। ठीक है, और अगला पॉइंट आता है मिडगट के जस्ट बाद हाइंडगट आती, आखिरी वाला भाग, लास्ट वाला। और जैसे इनके जंक्शन पर हिपेटिक सीके थे, वैसे ही इसके संधि स्थल पर, इसके जंक्शन पर तेरे को मिलेगा बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर, माल्फिगियन टिब्यूल्स। माल्फिगियन नलिकाएं मिलेंगी जो कि किस काम को संभालती है बेटा? एक्सक्रीशन को। किसको संभालती है? एक्सक्रीशन को। इनकी संख्या अच्छी खासी है, 100 से लेकर 150 है, येलो कलर में, याद रखना। क्लियर? ओके, सबसे पहले फोरगट, फोरगट के बाद मिडगट, मिडगट के बाद हाइंडगट। फोरगट और मिडगट के बीच में हिपेटिक सीके जो कि लिवर के जैसा काम करेंगे, मिडगट और हाइंडगट के बीच में माल्फिगियन नलिकाएं। कौन सी नलिकाएं आ रही हैं? माल्फिगियन नलिकाएं जो कि संभालेंगी एक्सक्रीशन को। किसको संभालेंगी? एक्सक्रीशन। बेटा जी अभी देखेंगे अपन हीमोलिम्फ क्या होता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा। आखिरी टॉपिक आ गया है हाइंडगट। एनसीईआरटी क्या बोल रही है? जब आप मिडगट को देखोगे तो वो थोड़ी सी पतली है, लेकिन जब आप हाइंडगट की तरफ आओगे तो वो फैल जाएगी, ब्रॉड हो गई है। कैसी हो गई है?
ब्रॉड हाइंड गट है, चौड़ी हाइंड गट है, सिंपल सी कंसेप्ट है, ज्यादा याद भी नहीं रखना है। साथ ही साथ हाइंड गट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है, इलियम, कोलोन और रेक्टम। ऐसा लग रहा है ये नाम कहीं पहले सुने हुए हैं। जी हाँ, ये नाम हमारे शरीर के अंदर भी है। इलियम हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, याद आया। वहीं पे कोलोन और रेक्टम जो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो देखा जाए जो गट गट बोला जा रहा है यहाँ पे, मिड गट, हाइंड गट, असलियत में ये कॉकरोच की इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। किसके पार्ट्स हैं? कॉकरोच की इंटेस्टाइन के, ठीक है। रेक्टम जो है ये अल्टीमेटली ओपन होता है बेटा एनस में, जहां से गंदगी को, वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये बातें हुई किसके बारे में? आपके कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में। एक बार छोटा सा रिकैप बता रहा हूं मैं आपको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का। बेटा कॉकरोच ओमनीवोर होता है। ओमनीवोर होता है मतलब वो कुछ भी खा सकता है, जो मिल जाएगा खा लेगा, ठीक है। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, एलिमेंट्री कैनाल जो है, उसमें सबसे पहले माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, याद रखिएगा। माउथ पार्ट्स खाने को थोड़ा बहुत काट लेते हैं, थोड़ा बहुत चबा लेते हैं, फिर आगे बढ़ा देते हैं। माउथ के बाद फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस जाके खुलता है एक बड़े से थैले में। उस थैले का बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम है क्रॉप। क्रॉप जो है वो खाने को थोड़ी देर तक जमा करता है, जब तक वो खाना धीरे 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 आगे खिसकता है एक मशीन की तरफ, एक ऐसी मशीन जो खाने को काट रही है, खाने को पीस रही है, एक चक्की के जैसा काम कर रही है, और उस चक्की का नाम है गिजार्ड। बेटा याद रखना, गिजार्ड पर फोरगट खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर फोरगट खत्म तो मिडगट चालू हो जाएगी। मिडगट में ही एंजाइम की मदद से डाइजेशन करवाया जाता है। अब अगर एंजाइम की मदद से आपको किसी चीज का डाइजेशन करवाना है तो आपको एंजाइम पहुंचाने भी तो पड़ेंगे ना। तो फोरगट और मिडगट, जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं ना, फोरगट और मिडगट, जहां पे ये आपस में मिलते हैं वहां पे बीच में हिपेटिक सीके होते हैं। कौन होते हैं? हिपेटिक सीके, जो एंजाइम्स का स्त्रावण करते हैं, रिलीज करते हैं। उसके जस्ट बाद हाइंड गट आ जाती है। हाइंड गट थोड़ी सी चौड़ी है। मिडगट और हाइंड गट के बीच में आपको माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स मिलेंगे, 100 से 150, येलो कलर में, काम करेंगे एक्सक्रीशन का। किसका काम करेंगे? एक्सक्रीशन का। लास्ट आ जाता है आपका हाइंड गट के तीन पार्ट्स, इलियम, कोलोन और रेक्टम। रेक्टम गंदगी को बाहर निकाल देगा एनस के थ्रू। किसके थ्रू? एनस के थ्रू, ठीक है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ कॉकरोच का। एक बार देख लीजिए, ओके बेटा। तो नेक्स्ट जो आ रहा है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद, अभी अपन जो चालू कर रहे हैं ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से थोड़ा सा देखिए और समझिए। सबसे पहली बात ये आ रही है कि कॉकरोच का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, फिर वही हो गया, अब स्लाइड अपने आप चल रही है, वो अटक गया था ना, ऐसे पेन नहीं आ रहा है। हाँ, अब आया साला। हाँ, ओके बेटा। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, डाइजेस्टिव के बाद अभी अपन ने जो अगला टॉपिक स्टार्ट करा है, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है कॉकरोच का, इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रखिएगा। आप अगर को आपको अगर ध्यान हो तो अपन ने एक ट्रिक याद करी थी एनिमल किंगडम में, हेमा और अनिल वाली, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि भैया अनिल चोर है, ठीक है। हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इन चार के अंदर मैंने आपको ओपन सर्कुलेशन बताया था। कैसा सर्कुलेशन बताया था? ओपन। अनिल, अनिल का मतलब होता है एनलिडा, दैट मींस कॉर्डेटा।
इसमें मैंने आपको बताया था, साफ साफ क्लियर एक्सप्लेन करा था कि ये दो जानवर ऐसे हैं जिनके अंदर आपको क्लोज सर्कुलेशन मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए ए जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आर्थ्रोपोडा को, आर्थ्रोपोडा में ही आता है कॉकरोच क्लास इंसेक्टा में। इसका मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना का, दैट इज ओपन टाइप, खुला परिसंचरण तंत्र है, याद रखना। ब्लड वेसल्स विकसित नहीं है अच्छी तरीके से, पुअरली लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मतलब अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया है ब्लड वेसल्स का, और जब ब्लड वेसल्स का अच्छी तरीके से विकास नहीं हो पाया है तभी तो ओपन सर्कुलेशन है। कैसा है ओपन? अरे भैया अगर पूर्ण रूप से विकास हो चुका होता तो क्लोज नहीं हो जाता, नहीं हुआ पूर्ण रूप से विकास तो ओपन सर्कुलेशन है, ठीक है। ब्लड जो है, पहली बात याद रखना, यहां पे ब्लड शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कॉकरोच के लिए ब्लड को एक दूसरे नाम से जाना गया है। इसे हटा रहा हूं मैं, हेमा जी को और उनके साथ अनिल जी को याद रखने का तरीका बताया था, उम्मीद है आपको याद होगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं, बेटा जी कॉकरोच की जो बॉडी कैविटी है, शारीरिक गुहा, शरीर की गुहा, उसे हीमोसील कहा गया है। कहा गया है हीमोसील, मतलब जो ब्लड है, जो खून है, वो थपेड़े खाएगा, बहता रहेगा कहां पर? हीमोसील में, क्योंकि बहती हवा सा था वो। दूसरी बात आती है कि जो इनका ब्लड है उसको भी ब्लड नहीं कहा जाएगा, इसको हीमोलिम्फ कहा जाएगा। तो बॉडी फ्लूइड जो है, ब्लड जो है, वो क्या है? हीमोलिम्फ। और वो हीमोलिम्फ बह कहां पे रहा है? बॉडी कैविटी में, जिस कैविटी का नाम है हीमोसिल। ये जो आपका हीमोसिल है बॉडी कैविटी, उसमें बह रहा है हीमोलिम्फ, दो चीजों से बना है। नंबर वन ब्लड प्लाज्मा। भैया जैसे तेरे खून के अंदर प्लाज्मा है, वैसे ही इसके खून में भी क्या है? प्लाज्मा। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, तेरे खून के अंदर तो पिगमेंट पाया जाता है, जो पिगमेंट है तेरे शरीर का वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन है ना भैया ब्लड में, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ऑक्सीजन लाता है ले जाता है, ठीक है। इनके पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, देख लीजिए साफ साफ लिखा है कलरलेस प्लाज्मा। कैसी है प्लाज्मा? कलरलेस। और उसमें जो सेल है ना, जैसे अपने पास आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है, वैसे इनके पास जो सेल्स है उनका नाम है हिमेटोसाइट्स। क्या नाम है? हिमेटोसाइट्स। याद रखना बाबूजी, हिमेटोसाइट्स नेचर में फैगोसाइटिक होती हैं, भक्षी कोशिकाएं होती हैं, दुश्मनों से लड़ने और मारने का काम करती हैं। जी हाँ, कॉकरोच के भी दुश्मन होते हैं जिन्हें पैथोजन कहा जाता है। तो जैसे हमें बीमारियां हो सकती हैं, वैसे उन्हें भी बीमारियां होती हैं। उन्हें बीमारियों से बचाएगा कौन? हीमोसाइट्स, ठीक है। ओके बेटा, ऐसा सुना होगा आपने कि कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसमें 13 चैम्बर होते हैं। ऐसा नहीं है, 13 चैम्बर्स नहीं है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है। कैसा है? ओपन टाइप है। असलियत में उसके हार्ट के अंदर जो चैम्बर्स जिनको आप कहते हो, वो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। उसका हार्ट ट्यूब लाइक है। कैसा है? ट्यूब लाइक है, इलोंगेटेड है, मस्कुलर है। इतनी बातें ध्यान रखना। एक बात और इंपॉर्टेंट बेटा जी, हमारा हार्ट आगे होता है, आगे इन द सेंस वेंट्रल, अधरीय है। कॉकरोच में हार्ट आगे नहीं है, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम आगे नहीं है, कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम डॉर्सल है, पीछे की तरफ है। तो वो कॉकरोच ऐसा नहीं बोलेगा मैंने दिल तेरे को दिया, वो इधर से दिल नहीं दे पाएगा, वो इधर से दिल देगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, तो याद रखना डॉर्सल लाइन पर पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? डॉर्सल लाइन। फनल शेप्ड चैम्बर्स, ये आ गया वो नाम जिसको आप समझ रहे थे कि उसके दिल में 13 कमरे हैं, हमारे पास 4 हैं। इनके पास जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो 13 होते हैं। उन फनल शेप्ड स्ट्रक्चर की ओपनिंग को ऑस्टिया कहा जाता है। क्या नाम दिया जाता है? ऑस्टिया। तो ऑस्टिया असलियत में क्या है? ओपनिंग है। अभी अपन डायग्राम से देखते हैं, स्टडी करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कॉकरोच का जो हार्ट है और उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, वो आपको दिखाया गया है। ये जो चैम्बर्स बने हुए हैं ये ट्यूब लाइक देख सकते हैं आप, यहाँ पे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं के वो हार्ट के चैम्बर्स बताया गया है, या साइनसेस बोला गया है,
इनकी जो ओपनिंग है जहां से शुरू हो रहे हैं और जहां पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आप देख पा रहे हैं, इन ओपनिंग को ऑस्टिया बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? ऑस्टिया। तो ब्लड जो है वो जब एक कमरे से दूसरे कमरे में पंप किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो भेजा जाता है किसकी मदद से? ऑस्टिया की मदद से। मतलब जो पॉइंट है जहां से मूवमेंट हो रहा है, आर पार हो रहा है, उस पॉइंट का नाम है ऑस्टिया। क्या नाम है? ऑस्टिया, याद रखियो। अच्छा, एक बात मैंने एक वर्ड यूज करा है यहाँ पे, ब्लड को पंप किया जा रहा है। तू समझते ना पंप करने का मतलब क्या हो रहा है? पंप करना मतलब वहां पे जोर लगाना पड़ रहा है, वहां पे प्रेशर लगाना पड़ रहा है। जब वहां पे प्रेशर लगाना पड़ रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए अलेरी मसल्स प्रेजेंट है। याद रखना गुड्डू, अलेरी मसल्स किसके दिल में पाई जाती हैं? किसके हार्ट में? किसके हार्ट के चैम्बर्स में पाई जाती हैं? कॉकरोच में। किस में पाई जाती हैं? कॉकरोच में। ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का। क्लियर? ओके, क्या क्या याद रखने वाली बातें हैं? बॉडी कैविटी को हिमोसील कहा गया है। एक, ब्लड ब्लड नहीं है, हीमोलिम्फ है। पिगमेंट यानी वर्णक नाम की कोई चीज नहीं है, पिगमेंट एब्सेंट है। अच्छा, एक बात याद रखना, इनके अंदर क्योंकि पिगमेंट एब्सेंट है तो ब्लड की मदद से गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाता है। जी हाँ, ब्लड यहां पे गैसेस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं है। इनके ब्लड में दो चीज है, एक हीमोसाइट प्लस कलरलेस प्लाज्मा। ठीक है, हार्ट में चैम्बर्स है, चैम्बर्स की ओपनिंग को ऑस्टिया बोला गया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है गुड्डो, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉकरोच का ओपन टाइप है, याद रखियो। ठीक है, बस इतनी बातें आ सकती हैं कॉकरोच के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आ गया है रेस्पिरेटरी सिस्टम। बोले दो, श्वसन तंत्र, सांसें। श्वसन तंत्र की बात हो रही है, कॉकरोच के श्वसन तंत्र की बात हो रही है। बना हुआ है नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। एक ही बात बता देता हूं, काम की शुरुआत कर देता हूं। कॉकरोच में बुक लंग्स होते हैं। क्या होते हैं रे? बुक लंग्स होते हैं। ठीक है, याद रखना बेटा, कॉकरोच जो होता है, मैंने आपको किंगडम आर्थ्रो फाइलम आर्थ्रोपोडा जो था, जो अपन एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने ये पढ़ा भी था कि कॉकरोच के अंदर बुक लंग्स पाए जाते हैं। नेटवर्क होता है ट्रैकिया का, ट्रैकियल सिस्टम होता है। कीड़ों की पहचान होती है ट्रैकियल सिस्टम। अगर वही कीड़े पानी में रह रहे हैं तो आप बुक लंग्स नहीं, बुक गिल्स बोलोगे। याद आया आपको? ठीक है, यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम बनता है। नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया को, ट्रैकिया के इस जाल को ही ट्रैकियल सिस्टम बोला गया है। क्या बोला गया है बेटा जी? ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, ओके। टोटल 10 पेयर होते हैं छोटे छोटे छिद्रों के, जो कि पूरे शरीर पे बने होते हैं, शरीर के लेटरल साइड पे। जैसे मतलब मान लो अगर ये कॉकरोच का शरीर है तो ये उसका लेटरल साइड होगा। याद करो भैया, बहुत पुरानी बात है ये तो। वेंट्रल, अधरीय, डॉर्सल पार्श, सॉरी डॉर्सल पृष्ठीय, लेटरल यानी पार्श। तो पूरे शरीर में पार्श्व में मतलब लेटरल साइड पे 10 जोड़ियां होंगी छिद्रों की, जहां से हवा एंटर और एग्जिट करेगी। तो ये किताब के जैसा बन जाता है। किसके जैसा बन जाता है? किताब के जैसा। और इसीलिए नाम क्या दिया गया है? बुक लंग्स नाम दिया गया है। पूरे जो छिद्र होते हैं उनमें ट्यूब्स लगी होती हैं, ब्रांचिंग ट्यूब्स, जिन्हें आप ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। फिर बात यह होती है कि यही ऑक्सीजन गेन करते हैं एयर से, हवा से ऑक्सीजन को कैच करते हैं, ओके, और बहुत ही आसानी से डिफ्यूजन के द्वारा एसीएस एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं इसमें क्या बोला जा रहा है। ट्रैकिया होता है सबसे पहले, ठीक है, ट्रैकियल ट्यूब्स जो है, ये जो ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, ये सब डिवाइड होती है। इन्हें ट्रैकियोल्स कहा गया है। क्या कहा गया है? ट्रैकियोल्स। ये जो ट्रैकियोल्स होते हैं, इनकी ओपनिंग्स को, इनकी ओपनिंग्स स्पाइरिकल्स कहलाती हैं।
जिनपे दरवाजे बने होते हैं, गेट्स लगे होते हैं, इन गेट्स को स्फिंक्टर बोला गया है, ठीक है। और एंड में ये आ गए आपके स्पेरिकल्स। इतना तो अपन पढ़ ही चुके हैं कि कोई भी जीव हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, सिंगल एक सेल भी हो, अगर गैसियस एक्सचेंज की बात करनी है तो वो डिफ्यूजन के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा ये प्रक्रिया होती है, गैसेस की बात चल रही है। तो ये पूरा सिक्वेंस रहता है। याद रखने के लिए दो तीन बातें ही हैं। सबसे पहले एक बार आप इसे रिविजन देख लेते हैं। कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? ट्रैकियल सिस्टम। कहां से बना है? दूसरा क्वेश्चन, नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। इस वजह से उसको क्या नाम दिया गया? बुक लंग्स। क्या नाम दिया गया है? बुक लंग्स। ट्रैकिया डिवाइड होके, ब्रांचिंग ट्यूब्स जो होती हैं ट्रैकियल्स, ये डिवाइड होके क्या बनाती हैं? ट्रैकियोल्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ट्रैकियोल्स। बस ये कंप्लीट, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये कंप्लीट हो गया किसके बारे में बेटा? आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब आ गया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने वाला टॉपिक। भाई का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा जी, एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, कित्सर्जन, उत्सर्जन के लिए कॉकरोच में मेल्फिगी नलिकाएं, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। होते और भी स्ट्रक्चर है, यूरिकोज ग्लैंड भी होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई सा है तो वो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। याद रखने वाली बात है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स होते कहां है? लोकेशन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स? अब भी याद कर, अब भी वीडियो में अब भी तेरे को बताया था मैंने, बिटवीन मिडगट एंड हाइंडगट, मतलब आहार नाल, भोजन नाल जो है, एलिमेंटरी कैनाल, उसी से एक्सक्रीटरी सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। मिडगट जहां पे खत्म हुई, हाइंडगट जहां पे चालू हुई, वहां पे 100 से लेकर 150 पीले रंग की, रंग भी बताया था, पीले रंग के नलिकीय संरचना, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें तू नाम देता है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम दिया जाता है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल। ऐसे यूं ऐसे लटके हुए रहते हैं वो भोजन नाल में, ठीक है ना, जो आहार नाल होती है उसमें नलियां ऐसी पड़ी हुई हैं 100 से लेकर 150। वे करती क्या है? ये वहां से ना लगातार एब्जॉर्ब करती हैं, एब्जॉर्ब करते जाते हैं, अवशोषित करते जाते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को। खाने में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब करके उसे कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड में। टाइम कन्वर्ट कर देंगे यूरिक एसिड में, कन्वर्ट कर देंगे और वो बाहर निकल जाएगा हाइंडगट के द्वारा। काहे के द्वारा बाहर निकल जाएगा? हाइंडगट के द्वारा, शरीर से बाहर निकल जाएगा बेटा, क्योंकि फ्रॉग ने, सॉरी कॉकरोच ने यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकाला है, इसी वजह से उसको यूरिकोटेलिक कहा जाएगा। मेरे ख्याल से आपको पता होगा, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट तीन हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो अमोनिया निकाल रहा है अमोनोटेलिक, यूरिया निकाल रहा है यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड निकाल रहा है यूरिकोटेलिक, ठीक है। तो कॉकरोच क्या हो गया? यूरिकोटेलिक। एक बात और बता देता हूं, वहां पे भले लिखा है यूरिक एसिड, असलियत में वो ये निकालेगा पोटेशियम यूरिएट, इस सॉल्ट के फॉर्म में वो यूरिक एसिड को शरीर से क्या करता है? बाहर निकालता है। क्लियर है? समझ आ गई बात आपको? बेटा जी एक और बात आती है, ठीक है, अब ध्यान से सुनना बाबू, ये क्वेश्चन बनाने वाली बात है। सिर्फ यहां से नहीं, एक दूसरे चैप्टर का भी क्वेश्चन आता है, मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स एक नहीं दो काम करता है। एक काम तो था रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस पेस्ट, ये उसका पहला फंक्शन था, लेकिन वो एक नहीं बल्कि दूसरा काम कर रहा है, और दूसरा काम कुछ और नहीं, ऑस्मोटिक बैलेंस, आयनिक बैलेंस, परासरण संतुलन, ये संभालने की जिम्मेदारी भी किसके मजबूत कंधों पर है? मेल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के। तो याद रखना, एक्सक्रीटरी सिस्टम मेल्फिगियन ट्यूब्यूल से बना हुआ है,
मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स दो काम कर रहे हैं, नंबर वन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल, नंबर टू ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस को ही आयनिक बैलेंस भी कहते हैं, ठीक है। सो ये अभी अपन ने थोड़े पिछले कुछ टाइम में डिस्कस कर लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रिएटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब अपन आते हैं नर्वस सिस्टम की तरफ, किसकी तरफ, नर्वस सिस्टम की तरफ। बेटा नेक्स्ट टॉपिक अपन जो चालू कर रहे हैं दैट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी अभी जस्ट अपन ने एक्सक्रिएटरी सिस्टम खत्म किया है। मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स याद रखिएगा, मालफिगी की नलिकाएं जिनके द्वारा उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन का काम होता है। कॉकरोच एक यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूरिकोटेलिक, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो होता है बेटा, पहली बात कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल होता है। देखिए पूरा अपोजिट सिस्टम चल रहा है, हमारे अंदर दिल वेंट्रल होता है, कॉकरोच में दिल डॉर्सल है। हमारे अंदर नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है लेकिन कॉकरोच में नर्वस सिस्टम वेंट्रल है। ठीक ठीक ठीक, एकदम जस्ट अपोजिट चल रहा है, ठीक है। याद रखिएगा, बना होता है गैंग्लिया का, आय का बना होता है गैंग्लिया का। सवाल आता है कि अब ये गैंग्लिया क्या है? व्हाट आर गैंग्लिया? गैंग्लिया कुछ भी नहीं है, इट इज अ ग्रुप ऑफ गैंग्लियंस आर ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। सिंपल, पहले भी पढ़ चुके हैं अपन नर्वस सिस्टम में कि गैंग्लियंस जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं न्यूरॉन्स के, ठीक है। अब क्या कह रही है ये किताब, सॉरी एनसीईआरटी, हमारी किताब नहीं बोलना चाहिए, इज्जत एनसीईआरटी माता जी जो है वो ये कह रही हैं कि तीन गैंग्लिया पाए जाते हैं थोरैक्स में, छह गैंग्लिया पाए जाते हैं एब्डोमन में। कहां पे पाए जाते हैं? एब्डोमन में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, यहां पे वापस से लिख देता हूं, तीन गैंग्लिया थोरैक्स, छह गैंग्लिया एब्डोमन। याद रखियो, गैंग्लिया क्या है? ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स है, ठीक है ना। चले अब यहां पे आता है वो वाला क्वेश्चन कि भैया कॉकरोच का सर अगर कट भी जाता है, क्वेश्चन क्या है, फैक्ट लिखा होता है कॉपियों के पीछे तुम्हारी जनरल नॉलेज, कॉकरोच का सर अगर कट भी जाए तो भी वो इतने दिन जिंदा रह सकता है, कैसे? भैया उसका रीजन ये है कि कॉकरोच के सर में बहुत ही कम, बिट का मतलब होता है कम, बहुत ही कम नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन उसका जो बेली साइड है, मतलब उसका जो एब्डोमन रीजन है, थोरैक्स रीजन है, वहीं पर उसका ज्यादातर नर्वस सिस्टम पाया जाता है। इसी वजह से अगर उसका सर कट भी जाता है तो नर्वस सिस्टम सर में था ही नहीं ना, तो समझ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम हिस्सा यहाँ से थोरैक्स से नेक रीजन से चालू हुआ है, तो अगर वो सर कट भी जाएगा तो शरीर के सभी काम आनंद पूर्वक चलते रहेंगे। कॉकरोच भाई की अगर मौत होगी, डेथ होगी, तो वो भूख से होगी। अरे क्योंकि सर कट चुका है तो खाएगा कैसे बेटा, समझ गया ना मेरी बात को? ऐसा तो है नहीं कि तो उसको बोतल चढ़ा देगा, नली लगा देगा, बोले ले ऐसे यूज कर ले एनर्जी को, नहीं। अगर सर कट गया तो खाना खा नहीं पाएगा, तो जब तक उसकी रिजर्व्ड एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी चल पाएगी तब तक वो चल पाएगा, जैसे ही वो खत्म कॉकरोच की डेथ हो जाएगी। इसी वजह से ये देखो लिखा हुआ है, सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ अ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज वन वीक, एक सप्ताह तक, सात दिनों तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। ओके, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन, देखो गैंग्लियन के भी अलग अलग नाम दिए गए हैं। सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन नाम की एक संरचना पाई जाती है, स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिस तरीके से हमारे पास ब्रेन है कॉकरोच के पास है सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन। ये बात याद रखना बेटा, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन पाया जाता है, ठीक है। ओके, सेंस ऑर्गन की बात करें, सेंस ऑर्गन कॉकरोच के पास अलग अलग सेंस ऑर्गन है, जैसे सबसे पहला सेंस ऑर्गन देखो लिखा हुआ बेटा एंटीना। कॉकरोच के पास कंपाउंड आई है एक पेयर, ठीक है। उसके पास मैक्सिलरी पाल्प्स भी होते हैं, लेबियल पाल्प्स, यहाँ पे पाल्प्स लिख दिया अपन ने, और लास्ट एनल सरसी भी पाया जाता है।
मैं तेरे को पहले ही बोला था एनल स्टाइल अलग चीज है और एनल सरसी अलग चीज है। एनल स्टाइल जो होती है वो केवल मेल के पास पाई जाती है, जबकि एनल सरसी जो होती है वो सेंस ऑर्गन है मेल और फीमेल दोनों के पास पाया जाता है। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से देखना सुनना और समझना। ये देख मैं तेको बताते हैं किसके बारे में, सबसे पहले तो एंटीना के बारे में। एंटीना किसका रिसेप्टर है? टच का। याद रखियो एंटीना किसका रिसेप्टर है? टच का। एनवायरमेंट की जानकारी कॉकरोच को सबसे पहले अगर किसी से मिलेगी तो किससे मिलेगी? एंटीना की मदद से, याद रखना ठीक है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है वो है कंपाउंड आय। कौन है? कंपाउंड आय। मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटा, कॉकरोच की जो आंखें होती हैं कंपाउंड आईज, असलियत में वो डिवाइडेड होती है। मतलब तो ये बोल सकता है कि कॉकरोच का जो लेंस है ना वो ऐसा थोड़ा सा टूटा हुआ जैसा ब्रोकन है, और इस ब्रोकन लेंस के ये जो टुकड़े होते हैं ना, इन टुकड़ों को नाम दिया जाता है ओमेटेडिया। क्या नाम दिया जाता है? ओमेटेडिया। ये जो कंपाउंड आई है, ईच आई 2000 ओमेटेडिया पाए जाते हैं। समझ रहा था मेरी बात? तो इतने ज्यादा, मतलब एक आंख में अगर 2000 ओमेटेडिया, तो देखो समझ आ रही क्या हो रहा है। कॉकरोच एक आंख से 2000 इमेज बना सकता है केवल एक ही चीज की। मैं देखो बताऊं कॉकरोच को मैं दिखाई कैसे देता है। जैसे पुरानी पिक्चर्स आती थी ना, तो जो उसमें ऐसा दिखाते थे ना कि मतलब हीरोइन चली गई है और हीरो बेचारा एकदम बदला लेने के लिए तैयार बैठा हुआ है, कांच को तोड़ डालता है, कांच के टुकड़े उसके सामने आके गिरते हैं। जब वो कांच में पहले देख रहा था तो केवल एक हीरो दिखाई दे रहा था, लेकिन जब वो टूटे हुए कांच में देख रहा है, कांच के टुकड़ों में देख रहा है, तो उसको बहुत सारे अलग अलग इमेजेस बन जाती है। हाँ या ना? हीरो एक है, पर्सन एक है, ऑब्जेक्ट एक है, बंदा एक है, लेकिन इमेजेस कितनी बन रही हैं? बहुत सारी। और ऐसी ही इमेज दिखाई देती है हमेशा किसको? कॉकरोच को। तो याद रखना कॉकरोच में सेवरल ओमेटेडिया की मदद से सेवरल इमेजेस बनती है एक ही ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट एक है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की इमेजेस कैसी हैं? बहुत सारी। ऐसा जो विजन होता है इसको मोजैक विजन कहते हैं। क्या कहते हैं बिट्टू जी? मोजैक विजन। इस प्रकार के विजन को मोजैक विजन कहा जाता है। ठीक है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है इसमें लेकिन रिजोल्यूशन कम होता है। मतलब दिखाई तो देगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, क्लियर इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, रिजोल्यूशन कम होता है। ठीक है, रात के समय पर यह बेटर तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, ओके, याद रखना कॉकरोच के अंदर जो सिंपल आई थी, मैंने बताया था ना सिंपल आई थी होती कॉकरोच में, उसको ओसिली कहा जाता है। ओसिली ये जो सिंपल आई है ये वेस्टिजियल होती है। कैसी होती है? वेस्टिजियल, किसी काम की नहीं होती। ठीक है, ओके, कंप्लीट हो गया। एनल सरसी जो है, मैंने देखो बताया था एनल सरसी भी होती है। एक्चुअली मैंने बताया नहीं क्या, मैं लिखवा रहा हूं। देखो एनल सरसी जो होती है वो साउंड का रिसेप्शन करती है। साउंड रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं, साउंड रिसेप्टर्स, वाइब्रेशन रिसेप्टर्स। ठीक है, ओके, ये कंप्लीट हो गया आपका नर्वस सिस्टम। क्या क्या बातें हुई? कॉकरोच का नर्वस सिस्टम जो होता है वो डॉर्सल होता है, सॉरी वेंट्रल होता है, जबकि हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कैसा होता है? डॉर्सल होता है। सेंस ऑर्गन होते हैं, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम गैंग्लिया से बना होता है। कैसे बना होता है? गैंग्लिया से। और अब आता है लास्ट आखिरी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच का। कॉकरोच डायोशियस है। डायोशियस का मतलब क्या होता है? मेल अलग और फीमेल अलग। मतलब अपन बोल सकते हैं कि ये लोग यूनिसेक्सुअल है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेक्स होगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है, मैं तेरे को पहले ही बता चुका हूं। ठीक है ना, ओके, पहले पढ़ रहे हैं किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पहले किसके बारे में देख रहे हैं अपन? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस वन। ठीक है, पुरुष की बात हो रही है पहले, पुरुष वर्ग। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना बेटा जी कॉकरोच का, ये बना होता है टेस्टिस से। ये देखो ये लिखा हुआ है, पेयर ऑफ टेस्टिस। जैसे हमारे अंदर भी टेस्टिस होती है, वृषण पाए जाते हैं, उसी प्रकार नर कॉकरोच जो होता है, मेल कॉकरोच, उसमें भी टेस्टिस पाई जाती हैं, जो कि चौथे से लेकर छठे एब्डोमिनल सेगमेंट में होती है। याद कर मैंने तेरे को बताया था
हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, फिर मैंने देखो बोला था एब्डोमेन में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, तो चौथे से लेकर छठे सेगमेंट के बीच में देखो क्या मिलेगी, टेस्टिस। क्या मिलेगी? टेस्टिस। हर टेस्टिस से, टेस्टिस से अराइज होती है वास डिफरेंस। कौन अराइज होती है? वास डिफरेंस। जैसे हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी में वास डिफरेंस पाई जाती है, ठीक है। फिर ये आकर खुलती है सेमाइनल वेसाइकल में, और सेमाइनल वेसाइकल खुलती है इजेक्यूलेटरी डक्ट में। सीक्वेंस याद रखियो, देख ले एक बार। मेन मुख्य जो सेक्स ऑर्गन है वो है टेस्टिस, अब यहां से डक्ट निकली वास डिफरेंस, वास डिफरेंस ओपन हुई सेमाइनल वेसाइकल में, और सेमाइनल वेसाइकल ओपन हो जाएगी इजेक्यूलेटरी डक्ट में। किसमें ओपन हो जाएगी? इजेक्यूलेटरी डक्ट। इजेक्यूलेटरी डक्ट फाइनली ओपन होती है अंत में, आखिरी गोनोफोर में। काय में ओपन होती है? गोनोफोर में। यह सीक्वेंस चलता है, ठीक है। टेस्टिस, टेस्टिस से वास डिफरेंस, वास डिफरेंस से सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल से इजेक्यूलेटरी डक्ट, इजेक्यूलेटरी डक्ट से गोनोफोर। अच्छा देखो, याद होगा मैं देखो बताया था कॉकरोच के अंदर अपन कैसे बताएंगे कि भैया ये नर है कि मादा है, महिला है कि पुरुष है? एनल स्टाइल के थ्रू। एनल स्टाइल फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, तंतु के समान, जो पाए जाते हैं नर कॉकरोच में। महिला में, महिला की पहचान कैसा? याद कर, सेवंथ सेगमेंट बोट के समान था, नाव के जैसा था, सेवंथ वाला सेगमेंट, वो पहचान है महिला की, जबकि एनल स्टाइल्स की उपस्थिति पहचान है किसकी? पुरुष की, ठीक है। सीक्वेंस याद रखियो बाबू, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, इजेक्यूलेटरी डक्ट और गोनोफोर, ठीक है। ओके, एक और पहचान मेल की, एक और पहचान है, वो है मशरूम शेप्ड ग्लैंड। ये जो मशरूम के आकार का ग्लैंड है, ये पाया जाता है किसमें? पुरुष में। और ये एक एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, देखिएगा। ये देखिए, ये टेस्टिस आ गई भाई साहब। टेस्टिस के बारे में क्या बोला गया है कि ये फोर्थ से सिक्स सेगमेंट के बीच में है, ठीक है। उसके बाद फैलिक ग्लैंड बताया गया है, यही फैलिक ग्लैंड जो है ना बेटा, इसको उन्होंने मशरूम शेप बताया। अच्छा देखो, एक बात बताऊं, मस्त चीज है बाबू, ये जो वर्ड है ना फैलिक, फैलिक, फैलस, कभी भी आए लाइफ में, कभी भी सुनने को मिले, समझ जाना मेल की बात चल रही है, आदमी की बात चल रही है। फैलस का मतलब ही आदमी होता है, रिप्रेजेंट करना आदमी को, दैट इज फैलिस, ठीक है ना। ओके, अब टेस्टिस ओपन हुई वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस ओपन हो गई आपकी इजेक्यूलेटरी डक्ट में, इजेक्यूलेटरी डक्ट के बीच में आ गया था कौन आपका? सेमाइनल वेसाइकल्स, जैसा कि आपको बताया गया था। और देखिए ये आ गए काउडल स्टाइल्स, काउडल स्टाइल। बोले सर आप तो एनल स्टाइल बोल रहे थे, बेटा काउडल स्टाइल को ही एनल स्टाइल बोला जाता है, याद रखियो, ठीक है। काउडल का मतलब होता है अंत, और एनल वाला जो है वो भी तो अंत वाला पोर्शन ही है ना। अरे यहाँ पे खत्म हो गया ना बेटा, ये खत्म कॉकरोच, इसके आगे कुछ भी नहीं है, ये कॉकरोच का अंत है, तो अंत के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता है? काउडल, ठीक है। ओके, अब देख क्या बोला जा रहा है आगे। जो मेल्स का एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, बाहर बाहर से जो दिखता है, जैसे अपने अंदर पेनिस होता है, ठीक है, शीशम, उसी तरीके से कॉकरोच के अंदर फैलोमियर होता है। देख फिर से फैलोमियर आ गया, अभी देखो बताया है ना, फैलस फैलिक शब्द आज नहीं, हमेशा से ही किसको रिप्रेजेंट करता है? पुरुष को, आदमी को, ठीक है। ओके, तो ये एसिमेट्रिकल है, याद रखना। फैलोमियर कैसे हैं? एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। स्पर्म्स टेम्पररी कुछ समय के लिए जमा होते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स में, रिलीज से पहले, बाहर निकलने से पहले स्पर्म्स को जमा करा जाता है, चिपकाया जाता है आपस में, उनके ढेर बना दिए जाते हैं, और उन ढेर को, उन बंडल्स को नाम दिया जाता है स्पर्मेटोफोर, ठीक है। ओके, तो क्या हो रहा है? स्पर्म्स जमा हो रहे हैं
सेमाइनल वसाइकल में, ठीक है, किस रूप में जमा हो रहे हैं? तो भैया बंडल बंडल बना बना के रख रहे हैं उनके, और उन बंडलों को नाम दिया जा रहा है स्पर्मेटोफोर। और जब रिलीज होगा, जब पॉपुलेशन होगा, तो असलियत में यही रिलीज होंगे, स्पर्मेटोफोर ही रिलीज किए जाएंगे। समझ गए बात को? तो बेटा ये था आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल कॉकरोच का, पुरुष का। जैसे पुरुष की बातें हुई तो भैया महिलाओं की भी बात होनी चाहिए, बराबर आधी आबादी, ठीक है। सो हियर वी आर स्टार्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चालू कर, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे मेल के पास टेस्टिस थी तो फीमेल के पास क्या होगी? ओवरीज। बाबूजी याद रखना, मेल में टेस्टिस को तुमने चौथे से लेकर छठे सेगमेंट के बीच में डाला था, जबकि फीमेल्स में जो ओवरीज हैं, कंपैरिजन देख लो कहां जा रही है, सेकंड से लेकर सिक्स्थ सेगमेंट के बीच में। मेल के अंदर टेस्टिस जो थी वो दो ही थी, लेकिन यहां पर हर ओवरी असलियत में 8 ओवेरियन ट्यूब से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? ओवेरियन ट्यूब से बनी हुई है, ठीक है, ओके। जबकि मेल के अंदर केवल 2 टेस्टिस थी। इन ट्यूब्स को ओवेरियोल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओवेरियोल्स कहा जाता है। कितनी है? 8। एक ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, ठीक है। जो ओविडक्ट होती है, ओवरी डक्ट में ओपन होती है, और जो कि फाइनली जेनिटल चैम्बर में जाके खुलती है। कहां पे जाके खुलती है? जेनिटल चैम्बर में, ठीक है, ओके। यहां पर स्पर्मथीका मिलता है, स्पर्माथीका, स्पर्मथीका कहा जाता है, ठीक है। यहां पर ही एग्स का फर्टिलाइजेशन होता है। कहां होता है? एग्स का फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है बेटा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू एंटर होते हैं स्पर्म्स। फर्टिलाइज्ड एग को कैप्सूल, ऐसे चैम्बर्स बनाए जाते हैं, पता आपको, जैसे अंडों की ट्रे आती है ना, अंडों की ट्रे आती है, ऐसे ट्रे बनती है यहां पर इनके एग की। उस ट्रे को ऊथीका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊथीका। जिलेटिनस कवरिंग का अंदर होता है। कभी आप देखना, जो आपके घर में कपड़ों की अलवारी वगैरह होती है ना, अलवारियों की जब सफाई होती है तो कोने से सब पपड़ी पपड़ी जैसे कुछ ऐसा लगता है, किसी का शेल होगा, कवरिंग होगी, ब्राउन कलर की होती है, जिलेटिन जैसी लगती है, वो कुछ और नहीं बल्कि बेटा ऊथीका होता है। क्या होते हैं? ऊथीका। क्योंकि नॉर्मली जो कॉकरोच वगैरह होते हैं वो अंडे ऐसी जगहों पे देते हैं, अलवारी के कोने वगैरह में, इस तरीके से, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या बात समझ में आई अपने को, कि ओवरीज होती है, ओवरीज दूसरे से छठे सेगमेंट के बीच में पाई जाती है। हर एक ओवरी में आपको 8 ओवेरियोल मिलेंगे, ठीक है। स्पर्माथीका पाया जाता है छठे चैम्बर में। कौन से चैम्बर में पाया जाता है? छठे चैम्बर में। और फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उनको जिस कैप्सूल में रखा जाता है उसको ऊथीका कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊथीका। ये देखो, ये लिखा, ऊथीका डार्क रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कैप्सूल के जैसा। किसके जैसा होता है? कैप्सूल के जैसा, ठीक है। ये गिरा दिए जाते हैं या चिपका दिए जाते हैं ऐसी किसी जगह पर जहां पे थोड़ा बहुत खाने को मिल जाए, ठीक है। एक फीमेल कॉकरोच एक बार में 9 से लेकर 10 ऊथीका प्रोड्यूस करती है। हर ऊथीका में 14 से लेकर 16 अंडे होते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब अगर देखा जाए तो एक फीमेल कॉकरोच एक बार में कम से कम 160 अंडे देती है। 163 एग्स जो है उनका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। यहां पे डेवलपमेंट आपको इनडायरेक्ट मिलेगा, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब समझता है ना बाबू? लार्वा स्टेज पाई जाती है, लार्वा स्टेज प्रेजेंट, ठीक है। लार्वा अवस्था, लार्वा स्टेज पाई जाती है, और इनकी लार्वा को निम्फ कहते हैं। इनकी लार्वा जो होती है, याद रखना, सीधा क्वेश्चन है, कॉकरोच की लार्वा क्या कहलाती है? तो बच्चा कॉकरोच की लार्वा निम्फ कहलाती है।
बार बार मोल्टिंग होती, बोले सो कितनी बार मोल्टिंग होती बेटा, 13 बार मोल्टिंग होती है, 13 times मेटामॉर्फोसिस, कायांतरण रूपांतरण होता है, शरीर में बदलाव होता है। निम्फ अवस्था अपनी पुरानी खाल को निकालकर फेंकती है, फिर नया डेवलपमेंट करती है, ऐसा 13 बार 13 times होता है, तब जाके एडल्ट कॉकरोच बनता है। ठीक है, तो याद रखना, लार्वा और एडल्ट के बीच में 13 अलग अलग चरण आते हैं और इस अवस्था को निम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्फ। ठीक है, ऊतिका पे भी क्वेश्चन बनता है बेटा, याद रखना, वो जो कैप्सूल होता है, जो कवरिंग होती है, जिसमें किसी कॉकरोच के अंडे रखे होते हैं, अंडे फीमेल ही देगी, ऑब्वियस सी बात है, अब इतना भी क्या पढ़ाना बेटा, है ना। तो वो जो अंडे होंगे उनको रखा जाता है ऊतिका में, काय में रखा जाता है? ऊतिका में। ये देखो ओवरी है, ये आप देख रहे हैं, ये रोज इसमें ऐसे अंडे जमा हो जाते हैं, ठीक है, और इन रोज को आप नाम देते हो ओवेरियोल्स। ये ओवरी, ओवरी के अंदर ओवेरियोल्स ओपन होते हैं ओविडक्ट में, फिर कॉमन ओविडक्ट आती है जिसको वेजाइना के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा एक बात और, जैसे जिस तरीके से मशरूम ग्लैंड पहचान थे पुरुष की, कोलैटरल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, पहचान होते हैं फीमेल की। तो फीमेल के जो ग्लैंड्स हैं दे आर द कोलैटरल ग्लैंड, मेल के जो ग्लैंड्स थे वो थे आपके मशरूम ग्लैंड्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए एनल स्टाइल्स जो है आपको दिखाई नहीं दे रही, देख लीजिए, एनल स्टाइल्स आपको दिखाई नहीं दे रही, क्यों? क्योंकि एनल स्टाइल्स वर द प्रॉपर्टी ऑफ मेल कॉकरोच, मेल कॉकरोच की विशेषता थी एनल स्टाइल। ठीक है, ओके, चलिए, दिस इज द जेनिटल पाउच। ओके लास्ट देखते हैं, आखिरी की जो निम्फ स्टेज बचती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 13 stages होती है टोटल, तो जो लास्ट होती है, आखिरी वाली होती है, उसके बाद सॉरी नेक्स्ट टू लास्ट बोला जा रहा है, नेक्स्ट लास्ट बुलाया जा रहा है, उसके पास विंग पैड्स होते हैं। क्या होते हैं? विंग पैड्स, विंग्स नहीं होते हैं। एडल्ट कॉकरोच के पास आपको क्या मिलेंगे? विंग्स। एडल्ट यानी जब वो पूरी तरीके से वयस्क हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, फुल डेवलपमेंट, फाइनल डेवलपमेंट हो गया, तब आपको विंग्स मिलेंगे। विंग्स कितने पेयर थे? 4, 2 forewings, 2 hindwings। फोर विंग्स को टेग्मिना भी कहा था, लेदरी होते हैं, बड़े होते हैं साइज में, उड़ने में कोई मदद नहीं करते, उड़ा जाता है हाइंड विंग्स की मदद से। किसकी मदद से? हाइंड विंग्स। ठीक है, ओके, कुछ बातें हैं छोटी छोटी बेटा, अभी तक हमें ऐसा कोई भी कॉकरोच नहीं मिला है जो हमारे फायदे का, इंसान भले हमेशा अपना फायदा ही दिखता हो, लेकिन अभी हम कॉकरोच के भी फायदे देखने की कोशिश कर रहे हैं और हमें नहीं मिल पा रहे, तो हम उन्हें देखते से ही मार देते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो इंसान के कॉन्टेक्ट में रहती है, कॉकरोच की बहुत सारी प्रजातियां हैं, केवल कुछ ही हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, अदरवाइज सब जंगलों में, पेड़ पौधों में, मिट्टी के अंदर छुपी हुई रहती हैं। ये खाने को खराब बहुत आसानी से कर देते हैं, क्योंकि ये उन पे गंदगी करके चले जाते हैं, छिछी, ठीक है ना, स्मेली एक्सक्रीटा, यस, जी हाँ, अगर खाने के ऊपर से कॉकरोच निकल जाए तो खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बाप समझदार है, मैंने बता दिया है। ओके, कुछ बीमारियां फैला सकते हैं ये, बैक्टीरियल डिजीजेस, अगेन खाने के माध्यम से। तो बेटा ये हुआ आपका टॉपिक कंप्लीट, किसके बारे में? अबाउट द कॉकरोच। सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजी इंपॉर्टेंट है, बाहर कवरिंग काइटिन की याद आया आपको, इंपॉर्टेंट है, विंग्स के बारे में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इंस्टीट्यूट पे मिलूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।